पालन हेयर ऑयल प्लस शैम्पू, एक कंप्लीट नेचुरल जीरो केमिकल आयुर्वेद प्रोडक्ट जो आपको देता है घने और मजबूत बाल। पालन हेयर ऑयल और शैम्पू आपको 4 हफ्तों में रिजल्ट देता है। ये प्रोडक्ट आपको किसी भी नजदीकी मेडिकल स्टोर में मिलेगा। ज्यादा जानकारी के लिए दिए गए नंबरों पर कॉन्टेक्ट करें। छत्रपति शिवाजी महाराज के पुतले के सामने धार्मिक झंडे लहराकर नारेबाजी करने वाले 6 मुस्लिम युवक गिरफ्तार। वीडियो वायरल होने के बाद बजरंग दल ने दर्ज कराई थी शिकायत। कल्याण के महात्मा फुले चौक पुलिस स्टेशन में दर्ज हुआ था मामला। मेरा भाई कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। गत 29 सितंबर शुक्रवार को देश भर में ईद मिलादुन नबी का त्योहार मनाया गया। एक दिन देरी से मनाया गया गणेश विसर्जन के त्योहार के चलते। वहीं 29 सितंबर को कल्याण के दुर्गाड़ी किला जो है वहां पर दुर्गाड़ी चौक है, यहां से खबर सामने आई कि कुछ मुस्लिम युवकों ने बाइक रैली निकाली। इस रैली की कोई अनुमति इन लोगों ने नहीं ली। बगैर अनुमति के बाइक रैली निकालकर इस्लामिक धार्मिक झंडे लेकर इन्होंने दुर्गाड़ी चौक में नारेबाजी, इसका वीडियो सामने आया है। अब 2 वीडियो इसमें हम आपको सबसे पहले बताएंगे। पहला एक साफ सुथरा प्लेन वीडियो, इसमें ये मुस्लिम लड़के यहां पर खड़े रह करके नारेबाजी कर रहे हैं, मोटरसाइकिलों पर बैठे हुए कुछ वीडियो बना रहे हैं, और किस तरह की नारेबाजी उन्होंने की है वो भी सुन करके यहां पर साफ होता है कि किसी तरह का कोई आपत्तिजनक नारा इसमें नहीं लगाया गया है। मगर इसी वीडियो को, ये जो प्लेन वीडियो हमने आपको बताया, इसके बाद हम दूसरा वीडियो आपको बता रहे हैं। इस वीडियो पर साफ तौर पर क्या लिखा है देखिए कि शिवाजी महाराज चौक में शिवाजी महाराज के पुतले के सामने आपत्तिजनक नारे लगाए गए, देशद्रोही झंडे फहराए गए। तो आमतौर पर भारत हिंदुस्तान इंडिया में बसा हुआ मुस्लिम समाज अपने धार्मिक त्योहारों के वक्त जिन अपने धार्मिक झंडों का इस्तेमाल करता है उन्हीं को अब देशद्रोही झंडे बताने का रिवाज शुरू हो चुका है। ये उसकी एक झांकी है, एक वानगी है। तो ये वीडियो, इसका मैसेज हम आपको दिखा रहे हैं प्लेन वीडियो के बाद में। तो देखने के बाद आप अंदाजा लगाइए कि किस तरीके से ये देशद्रोही झंडे हो सकते हैं या फिर किस तरह से यहां पर कोई आपत्तिजनक नारा है। बहरहाल ये वीडियो वायरल होने के बाद इसका संज्ञान स्थानीय स्तर पर बजरंग दल संगठन ने लिया और उसके बाद कल्याण के महात्मा फुले चौक पुलिस स्टेशन में जाकर के बजरंग दल ने हंगामा किया। अंत में बजरंग दल की शिकायत पर महात्मा फुले चौक पुलिस स्टेशन ने मामला दर्ज किया। इस संबंध में मीडिया से बात करते हुए महात्मा फुले चौक पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक सुनील पवार ने बताया कि ट्रैफिक नियमों का भंग करना और बिना अनुमति रैली निकालना, ऐसा मामला दर्ज किया गया है। धार्मिक भावनाएं या विद्वेष फैलाने वाली कोई धारा इसमें लगाई गई या नहीं लगाई गई है, पुलिस ने इसका कोई स्पष्टीकरण नहीं किया, कोई जानकारी नहीं दी है। लेकिन ये 2 चीजें पुलिस ने प्रमुखता से मीडिया को बताई है कि बगैर परमिशन के रैली और ट्रैफिक नियमों का भंग करना, और 6 युवकों को इसमें महात्मा फुले चौक पुलिस ने गिरफ्तार कर उन पर कार्रवाई भी की। किस तरह से अब बातों को घुमा फिरा के तोड़ मरोड़ करके या आपके धार्मिक झंडों को राष्ट्रद्रोही झंडे बता करके आपको निशाने पर लिया जा सकता है, ये उसकी शुरुआत मानी जा सकती है। अभी पुलिस प्रशासन इनकी आज जानबूझ के भाई पुलिस एक भी नहीं, देखो मालूम है क्या? सो रहा है क्या आज? अभी पुलिस प्रशासन इनकी आज जानबूझ के भाई पुलिस एक भी नहीं, देखो मालूम है क्या? सो रहा है क्या आज? मार जय श्री राम के सम्मान में मैदान में आभार मानूयात आणि आज आपण जसे शांततेने आलो, आपल्याला जे आपल्या तीव्र दुखावल्या गेलेल्या भावना व्यक्त करायच्या होत्या, छत्रपतींचा अपमान केला गेला, जे मुद्दा हेतू पुरस्कार काहीतरी धार्मिक भावना दुखवण्याचा प्रयत्न केला गेला परवा दिवशी, त्याचा आपण जो निषेध केला त्यासाठी सर्व हिंदू तरुणांचे खूप खूप धन्यवाद। असेच जागृत
जय 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 ज